वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8th के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक पढ़ाऊंगी। कुछ भी फिजूल पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगी, जितना एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ाऊंगी। फालतू की वीडियो मत देखना जिनमें बहुत लंबा लंबा बताया जाता है, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि कवायद किसे कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कवायद का तारुफ आपसे पूछा जाएगा। तो क्या लिखोगे कि कायदे की जमा कवायद है, कायदे की जमा कवायद है, कायदे के मायने असूल या तरीके के हैं। कायदे के मायने क्या हैं? किसी भी चीज़ को असूल या डिसिप्लिन के साथ, तरीके के साथ करने के हैं, जिन कायदों या असूलों की मदद से जबान को यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सही बोल सकें और सही लिख सकें कवायद कहते हैं। ध्यान रखना कि जिन कायदों या असूलों की मदद से किसी भी लैंग्वेज को, यानी कि यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज की बात है, उर्दू मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ज़बान को सही बोल सकें और सही लिख सकें उसे कवायद कहते हैं। इसलिए हर ज़बान को सही तरीके से बोलने और सीखने के लिए कवायद की सख्त ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये आपकी फ़र्स्ट वीडियो थी। आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरी ही ग्रामर को अपलोड किया है, वहाँ से जाकर आप सीख लोगे। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।